ओके चलो, आज का टॉपिक जो है तुम्हारा वो किस पर है, जरा उसको देखो। ओके टॉपिक क्या है? यू आर मंजू, यू आर मनीष और मंजू, राइट एन आर्टिकल ऑफ 150 टू 200 वर्ड्स शोइंग हाउ कंप्यूटर्स हैव ओपेंड अप ए न्यू वर्ल्ड of discovery and opportunity for you। Okay, आज क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? डिस्कस ये करेंगे कि तुम मनीष हो या फिर मंजू हो, ठीक है? और तुम्हें क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, ये शो करना है कि आज का जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर ने एक नए तरह का जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को जन्म दिया है और एक नए खोज को जन्म दिया है और एक नए मौका को जन्म दिया है हमारे आज के युवाओं ने, ठीक है? कैसे? सबको पता है कि कंप्यूटर हमारे इस वर्ल्ड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और कंप्यूटर के आ जाने से तुम्हारे लाइफ में क्या है, एक नया दुनिया है। लोग बोरिंग होता है तो कंप्यूटर खोल के बैठ गया, कुछ नया चीज एक्सप्लोर कर लिया। कंप्यूटर में इतना चीज ही है कि वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है, ठीक है? और फिर अपने आप में बिजी रहता है, तो दूसरे से मतलब भी नहीं रहता, ठीक है? और एक नया अपॉर्चुनिटी है, मतलब अगर तुम कंप्यूटर सीख जाते हो तो तुम्हें हर जगह जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है? है ना? आज के जमाने के टाइम, आज के लिए अगर तुमको टाइपिंग भी आता है तो तुमको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। अगर तुमको अच्छे से उसमें कंप्यूटर ऑपरेट करना आ रहा है तुमको जॉब मिल जाएगा, ठीक है? इतना मतलब ज्यादा उसके पास चांसेस है, इतना ज्यादा तुमको मौका दे रही है। तो हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि दैट हाउ द कंप्यूटर आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज यूथ एंड हाउ द कंप्यूटर प्रोवाइड अस द न्यू वर्ल्ड एंड डिस्कवरी एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, इसका मतलब होता है एक तरह का रास्ता जो तुम्हें चांसेस दे रही है आगे बढ़ने, ठीक है? समझे ना? ओके तो यहाँ पे कितने सारे लड़के हैं जो तुम लोगों को कंप्यूटर आता है, यूज किए हो कंप्यूटर कर लो? नहीं, चलो ठीक है, नहीं तो कर लेना है। ओके देखो टॉपिक क्या है, कंप्यूटर एंड एसेंशियल एड। कंप्यूटर क्या है, एक बहुत जरूरी चीज है। एड का मतलब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सहायता, और एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे आज के जीवन के लिए, ठीक है? किसने लिखा ये, मनीष या फिर मंजू ने? हम ये शो करेंगे कि कंप्यूटर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए आज। कंप्यूटर इज द लेटेस्ट बून ऑफ साइंस टू द मॉडर्न यूथ। कंप्यूटर आज का लेटेस्ट वरदान है ना हमारे साइंस वाला वर्ल्ड का। अगर आज के हमारे वर्ल्ड में अगर कंप्यूटर नहीं हो तो फिर लोग कहेंगे द लाइफ इज नॉट गुड, जीवन अच्छा नहीं है, है ना? इसे हमें क्या करना होगा, आज के टाइम पीरियड पे इंसानों के पास एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप या फिर एक मोबाइल फोन होना चाहिए, नहीं तो फिर बोलेगा नहीं जीवन अच्छा नहीं है, ये ना बोलेगा, ठीक है? कदम ये बहुत नेसेसरी चीज हो गया। जिस तरह से हम लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं तो सुबह सुबह इसके पास ये सब होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो आज के जमाने में क्या है, कंप्यूटर हमारे लिए वरदान ही है ना, ठीक है? टू द मॉडर्न यूथ, आज के जमाने के लोगों के लिए इट इज अ डिवाइस दैट हैज ब्रॉडनड द फ्रंटियर्स ऑफ द नॉलेज, ओपनड अप ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोवाइडेड फ्रेश अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहता है कि आज ये एक ऐसा डिवाइस है जिसने कि पूरे वर्ल्ड में एक तो नॉलेज को फैलाया, नॉलेज को फैलाने के साथ साथ इसने एक नई तरह की दुनिया को बनाया, और नई दुनिया को बनाने के साथ साथ आज जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके पास एक रोजगार का मौका भी लेकर के आया। बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग बेरोजगार थे अगर उनको कंप्यूटर आता है तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी कंपनी में, किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकता है, ठीक है? और फिर अपना आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट हैज मेड द फ्लो ऑफ लेटेस्ट नॉलेज पॉसिबल एंड एक्सेसिबल।
अब कंप्यूटर के थ्रू आज लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर कंप्यूटर है तो सबसे बड़ा उसका मेन चीज है इंटरनेट। अगर इंटरनेट है तुम अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा दूर तक ले जा सकते हो और उसको बढ़ा भी सकते हो। आज हम लोग जो इतने सारे अलग अलग तरह के नॉलेज गेन करते हैं तो कहां से गेन करते हैं, इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स क्या है, इंटरनेट। ठीक है, आज तक छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारा नॉलेज पता होता है ना, बस सिंपल से गूगल पे गए बोले आंसर आ गया है ना। आगे देखो, कंप्यूटर विद इट्स वंडरफुल कैपेसिटी टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इज एन एसेंशियल एड टू द मॉडर्न यूथ। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, कंप्यूटर एक बहुत ही मजेदार मतलब वंडरफुल तो दिखाई तो बहुत शानदार कैपेसिटी के साथ ये हमारे पास अवेलेबल है और ये हमारे हर एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। हर एक तरह की प्रॉब्लम को क्या, जैसे एग्जांपल ऐसा नहीं कि जो सपोज करो कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, अरे मेरे पास जो है पैसे नहीं, तो कंप्यूटर पैसा लगा नहीं देगा, अरे हमको भूख लगे खाना बना तो खाना नहीं बना देगा वो। ठीक है, मीन्स कहने का हुआ कि जो चीजें जरूरत पड़ रही है कि हाँ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए तो वो निकाल देगा, तुम्हारे काम को वो आसान कर देगा। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का भी ये सॉल्व कर देता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजों को याद करने की कैपेसिटी है और ये कभी भूलता नहीं है और ना ही कभी ये थकता है। ठीक है, और ये तुम्हारे लिए क्या है, बहुत जरूरी चीज है आज के जमाने में। ओके, चलो सबसे पहले हमारे वर्ल्ड में एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था अबेकस। क्या नाम था? अबेकस। सबसे पहले यही कंप्यूटर बना था। कंप्यूटर बनाया किसने था? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर बना था यही अबेकस, पहला सबसे पहले कंप्यूटर। लोगों ने उस समय कंप्यूटर के यूज को समझा नहीं, लेकिन डे बाय डे जैसे ही हमारा टाइम गुजरता चला गया, आज के जमाने में कंप्यूटर इतना ज्यादा यूजफुल हो गया है कि लोग उसके बगैर अपना जीवन को आगे ही बढ़ाते हैं। ठीक है, हर जगह देखो तो कंप्यूटर बिना कंप्यूटर पे काम होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि सारा चीज हर कंप्यूटर में डाल दिया गया। कंप्यूटर रहेगा तो बहुत सारा काम होगा, नहीं तो फिर काम रुका होगा। ठीक है, कंप्यूटर बहुत टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि तुम जो देखते हो जो तुम्हारे पास डेस्कटॉप रखा हुआ सिर्फ वही कंप्यूटर है। ठीक है, एक तरह से कंप्यूटर जो मेरा फोन है, फोन ही कंप्यूटर है। ठीक है, तुम्हारा जितना भी चीज तुम मशीन तुमको दिख रहा है जो तुम्हारे काम को रिड्यूस करती है, घटाती है तुम्हारे मेहनत को, उसको कंप्यूटर बोलेंगे। कंप्यूटर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला है कंप्यूट और प्लस आता है ई और आर, है ना। तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ रहे हो, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना, है ना। तुम बोलते हो कैलकुलेटर, हम बोलेंगे अरे 50 कितना हुआ, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो मतलब जोड़ो, और कैलकुलेटर मतलब जोड़ने वाला, है ना। हम बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको, एक और चीज जैसे कि सपोज कर लो किसी भी चीज का तुम अगर नाम, जैसे राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, तो राइटर क्या हो जाएगा, लिखने वाला। वैसे ही कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना मतलब कैलकुलेट करना, मतलब किसी भी काम को जल्दी कर देना। और कंप्यूटर मतलब करने वाला, जल्दी करने वाला, गणना करने वाला, कैलकुलेट करने वाला, है ना। तो कंप्यूटर का मतलब होता है ये चीज। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारे किसी भी काम को बहुत कम समय में ज्यादा करके दिखा देता है बिना कोई गलती किए हुए, तो हम उस मशीन को कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, समझे। तो कंप्यूटर जितने मशीन तुमको दिखाई देते हैं वो सारे मशीन कंप्यूटर ही होते हैं, बस उसका साइज और अलग अलग जगह में उसका यूज अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, आगे देखो, स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर लॉजिकली एंड मैथडिकली। आज कंप्यूटर जो है हमारे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट भी यूज करते हैं, चाहे तो वो किसी चीज को बनाने के लिए हो या फिर मैथडिकली मीन्स किसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए हो। इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड वाइड यूज ऑफ द कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ है कि आज जो हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है मतलब साइंस का जो नॉलेज है, उस नॉलेज से आज हमने बहुत दूर तक अपने नॉलेज को बढ़ाया भी है और लोगों तक पहुंचाया भी है। नाउ इट्स यूज इन ऑफिस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, बिजनेस
एस्टेब्लिशमेंट एंड इवन इन डिफेंस। आज के जमाने में कंप्यूटर तुम्हारा ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एंड इवन इन डिफेंस। बैंक में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, बिजनेस को खड़ा करने में, बिजनेस को चलाने में यूज हो रहा है एंड इवन इन डिफेंस, और डिफेंस में भी आज यूज हो रहा है। डिफेंस किसको बोलते हैं? डिफेंस का मतलब होता है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ठीक है, वहां भी यूज हो रहा है। किस चीज के लिए? टारगेटिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए। प्रोफेशनल ट्रेंड इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव मेनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड एब्रॉड। आज जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग कंप्यूटर में ही होती है, और आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिनको आता है, जो उनके बारे में जानते हैं, उनका भी नौकरी बहुत बड़े बड़े जगहों में, इंडिया तो इंडिया है ही, इंडिया के बाहर भी उनको जॉब मिलता है। ठीक है, हार्डवेयर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर के जिस पार्ट को तुम छू पाओगे उसको हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के तुम जिस पार्ट को नहीं छू पाओगे उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो बताओ तुम कंप्यूटर किस पार्ट को छू पाओगे? छुपाओगे ना? तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट को तुम नहीं छुपाओगे बोलो? किस पार्ट को नहीं छुपाएंगे? कोई ऐसा पार्ट है जिसको नहीं छुपाएंगे? नहीं है। तुम उसके सॉफ्टवेयर को कैसे छुओगे जो कंप्यूटर के अंदर में है, जैसे विंडोज 7 है ना? हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर हुआ ना, ठीक है। तो जिनके जिनको इनके बारे में जानकारियां होती है वो इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी जॉब करते हैं। जैसे तुम्हारा बिल गेट्स हो गया, तो जैसे अभी जितने भी लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड या फिर विंडोज 7 है ना, ये किसने बनाया? बिल गेट्स ने बनाया, और उसके उसका जो इनकम है वो पर सेकेंड 12,000 रुपया है ना, पर सेकेंड 12,000। किसका? बिल गेट्स का। किसने बनाया ये सब? बिलगेट्स ने बनाया है। विंडोज 7 हो गया तुम्हारा है ना, या फिर एंड्रॉइड फोन जितना भी तुम देख रहे हो उसका जो सॉफ्टवेयर है ना वही बनाया है बिलगेट्स, ठीक है। और उसका इनकम पर सेकंड कितना है? 12,000। अभी 4 सेकंड गुजरा ना, तो 12×4 के होते कितना हुआ? 48। हाँ, अर्निंग हो गया उसका 48,000, समझे। अभी हम लोग एक घंटा बैठे ना, एक घंटा में कितना 3600 सेकेंड्स होता है ना, 3600 सेकेंड। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो 12,000 से, तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी हो है ना, जो भी हो वो अर्निंग हो गया होगा एक घंटा में, ठीक है। अगर बिल गेट्स अगर पूरे दुनिया के आदमी को अगर 5,000 रुपये में बांट देगा ना, कितना कितना बांटेगा? 5,000 रुपया करके अगर एक एक आदमी को बांट देगा फिर भी खत्म नहीं होगा, पूरा दुनिया का आदमी, सिर्फ इंडिया का नहीं बोलने, पूरे दुनिया का आदमी, ठीक है। तो उतना इसके पास पैसे है क्योंकि उसने बनाया था क्या? सॉफ्टवेयर, है ना। द यूज ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो ऑफर्स ग्रेट जॉय, एक्साइटमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड डिस्कवरी। क्या कंप्यूटर का जो यूज है ना, वो कंप्यूटर का यूज हम लोग को एक बहुत तरह का, अलग तरह का ऑफर देता है, क्योंकि लोग उससे मजा भी लेते हैं, एक्साइटमेंट उसका जोश बढ़ता है, जुनून बढ़ता है, और कुछ नए नए क्रिएट भी करते हैं और कुछ नए नए डिस्कवरी भी करते हैं, मतलब नए नए खोज भी कर लेते हैं। कंप्यूटर इज द मोस्ट एफिशिएंट सर्वेंट मैन हैज एवर हैड। कंप्यूटर इंसानों का सबसे बढ़िया नौकर है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ, है ना। तुम कंप्यूटर को तुम जैसा बोलोगे कंप्यूटर तुम्हारे लिए वैसा करेगा, तुम कंप्यूटर को जो ऑर्डर दोगे कंप्यूटर तुम्हारे लिए वो करेगा, है ना। तो क्या है, हमारे लिए तो अच्छा नौकर है ना वो, लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। और आज हमारे जो वर्ल्ड है, आज हमारा जो लाइफ है, बिना कंप्यूटर का कुछ भी नहीं। पूरा दुनिया का मैक्सिमम 75-80% काम कंप्यूटर में जा करके रुक गया है, ठीक है। सारा का सारा काम कहाँ चला गया है? कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके अलावा तुम भी अपना जोड़ सकते हो कि आज कंप्यूटर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम ये भी लिख सकते हो, है ना। तो बताइए इसमें कहीं प्रॉब्लम कुछ समझने में? क्वेश्चन अगर आया कि कंप्यूटर पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है, तुमको ये लिखना होगा कि कंप्यूटर आज हमारे इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्लियर। कहीं अगर दिक्कत लगेगा तो
जो भी वर्ड प्रॉब्लम लगेगा उसको लिख करके ले आना है, समझे ना। ओके चलो, इसमें दिक्कत है ना कुछ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को? टॉपिक क्या था आज का? कि कंप्यूटर हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, समझे ना। ठीक है, देखो एक टाइम था ना कि जिस समय कंप्यूटर किसी घर में देखने को नहीं मिलता, जिसके घर में था लोग समझते थे कि बहुत अमीर है वो, बहुत बड़ा मतलब पैसा वाला होगा, कंप्यूटर कैसे खरीद लिया हो, ठीक है, लोग देखने दौड़ते थे उसको। आज जगह जगह हर एक आदमी के हाथ में कंप्यूटर है ना, ठीक है, और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है, हम लोग उसको मोबाइल बोलते हैं, इस तरह से हम इसको बोलेंगे मिनी कंप्यूटर, ठीक है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम रहेगा उसको बता देना है। ओके।